आप लोगों ने YouTube पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें कुछ इस तरह की वॉइस को यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बहुत सी पॉपुलर वॉइसेस देखने को मिल जाएंगी। आप अपनी वॉइस की क्लोनिंग करने के साथ साथ किसी भी वॉइस को इनहांस भी कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री एंड इजी टू यूज है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यह करना है कि इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ इस तरह के पेज पे रीडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे आप लोग ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, जिससे आप लोगों के पास इसकी एक सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही ये सेटअप फाइल डाउनलोड होगी तो आप लोग ब्राउजर को बंद करेंगे एंड सिंपली से इंस्टॉल पे क्लिक करके इस सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस कम्प्लीट होगा तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस सॉफ्टवेयर में इंटर हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच वाला सेक्शन है, जिसमें आने के बाद आप लोग अपने टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली से आप लोग चेंज स्पीकर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप लोगों के पास काफी सारी वॉइसेस देखने को मिल जाएंगी। इनमें से किसी भी वॉइस को आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सी डिफरेंट वॉइसेस हैं। साथ ही ऊपर की तरफ आप लोगों के पास एक सर्च बार भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप कोई भी स्पेसिफिक वॉइस को सर्च करके फाइंड भी कर सकते हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल जो एडम वाली वॉइस है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसको यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को प्ले करके भी दिखा देता हूँ। इस तरह से आप लोग किसी भी वॉइस को पहले प्ले करके भी देख सकते हो। किसी भी वॉइस को चूज करने के बाद आप लोग यूज पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी टेक्स्ट लिखना होगा, जितनी लाइंस आप लोग लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के पास लिमिट होती है कि आप लोग 10,000 तक वर्ड्स यहाँ पे टाइप कर सकते हो। टेक्स्ट लिखने के बाद आप लोग जनरेट पे क्लिक करेंगे, जिससे आप लोगों का टेक्स्ट जो है वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। Hey guys, Danny here. Today I'm back with another video. In this video, I'll show you how you can change your text into speech by using most popular voices. अभी अगर आप लोग इस ऑडियो को इनहांस करना चाहो तो इसको इनहांस भी कर सकते हो, जिससे आप लोगों की ऑडियो और भी ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएगी। ऑडियो इनहांस होने के बाद कुछ इस तरह से सुनाई देगी। Hey guys, Danny here. Today I'm back with another video. In this video, I'll show you how you can change your text into speech by using most popular voices. साथ ही आप लोग इस ऑडियो की स्पीड और पिच को कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आप लोग इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग चेंज स्पीकर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास काफी सारी लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती हैं। आप लोग अपना जो टेक्स्ट होता है उसको उर्दू या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये सभी लैंग्वेजेस आप लोगों को देखने में मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं हिंदी को चूज करता हूँ तो हिंदी के लिए भी यहाँ पे मेरे पास काफी सारी वॉइसेस देखने को मिल जाएंगी। इनमें यहाँ पे आप लोगों के पास आमिर खान की जो वॉइस है वो भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। लेकिन क्योंकि एडम वाली वॉइस काफी ज्यादा पॉपुलर है तो इसी को फिलहाल के लिए हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी हिंदी में टेक्स्ट लिखना होगा, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर हम लोग जो मैसेजेस में इंग्लिश यूज करते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। टेक्स्ट लिखने के बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे, जिससे आप लोगों का जो टेक्स्ट होगा वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास वॉइस क्लोनिंग का फीचर आ जाता है, जिसमें आप लोग अपनी वॉइस को क्लोन कर सकते हो। सिंपली से आप लोगों को अपनी कोई भी एक ऑडियो यहाँ पे इंपोर्ट करवानी है। इंपोर्ट करवाने के बाद स्टार्ट क्लोनिंग पे क्लिक करेंगे, जिससे आप लोगों की वॉइस यहाँ पे क्लोन हो जाएगी। इन फ्यूचर आप लोग जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको आप लोग अपनी वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास वॉइस चेंजर का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आप लोगों के पास काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें आप लोग अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो। अगर आपकी मेल की वॉइस है तो आप लोग उसको फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर फीमेल वॉइस हो तो उसको मेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली से आप लोगों को कोई भी एक ऑडियो फाइल यहाँ पे लेके आनी है एंड जनरेट पे क्लिक करेंगे, जिससे आप लोगों की जो ऑडियो होगी वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप लोग नॉइस रिड्यूसर में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपनी ऑडियो के बैकग्राउंड में जो भी नॉइस होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हो। ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाला ऑप्शन यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जिसको चूज करने के बाद आप लोग सिंपली से एक ऑडियो फाइल को यहाँ पे लेके आएंगे। अगर तो ये वॉइस ओवर हो तो यहाँ पे आप लोग वॉइस ओवर को चूज करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, जिससे यहाँ पे आप लोगों की ऑडियो इनहांस हो जाएगी। मैं बिफोर आफ्टर आप लोगों को करके दिखा दूंगा कि ऑडियो इनहांस होने के बाद आप लोगों को कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। OB46 अपडेट के बाद आपको आइस में कवर्ड कुछ इस तरह के एयर ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। OB46 अपडेट के बाद आपको आइस में कवर्ड कुछ इस तरह के एयर ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। आइस को गन या साथ ही अगर आप लोग AI जनरेटेड रैप में आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास रैप के लिए काफी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 4 लाइंस लिखनी होती हैं अपने रैप की, जिसके बाद आप लोग अपने रैप को बना सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर आप लोग स्पीच टू टेक्स्ट में आते हैं तो जो आप लोग बोलते जाओगे वो आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। साथ ही आप लोग कोई भी वॉइस ओवर यहाँ पे उठा के लेके आ सकते हो, जिसको आप लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। इस सॉफ्टवेयर में आप लोग वॉइस ओवर कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोग अपनी वॉइस के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पे आप लोगों के पास फीचर देखने
को मिल जाएगा। अगर आप लोग अपनी वॉइस को कहीं से कट ट्रिम करना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो तो इसके लिए एक अलग से सेक्शन आप लोगों को देखने में मिल जाता है। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर फ्री है, अगर आप लोग इसके और भी प्रीमियम फीचर्स को यूज करना चाहते हो तो इसको आप लोग यहाँ से परचेज भी कर सकते हो। अभी अगर गिव अवे के बारे में बात की जाए तो आप में से 3 लकी विनर्स को इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस 1 मंथ के लिए फ्री में दिया जाएगा। आपको सिर्फ इस सॉफ्टवेयर में रजिस्टर होके एक अच्छा सा कॉमेंट कर देना है। फिर भी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।